वाइफ ले चुका है भाई, इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। जनाब ने पिछले एक महीने में कितना मसाज, दो तीन महीने में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तुम बताओ भाई, वहाँ क्या होता है, क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम से गए थे, होता क्या है थेरेपी के नाम पे वहाँ पे, क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? जेब से कितने, जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहाँ पे? गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? अरे भैया पुलिस की पूरी वीडियोग्राफी है, समझ में आई? लाना की था ना यहाँ पे, सबको लाना की था, जब्ती कर लाए हैं जनाब। स्प्रे क्या करने लाए थे जनाब आप? भाई इनका मोबाइल है, मोबाइल का इसका जो पीडीआर निकालें और कल मीडिया में इनका पूरा जो है ना इसको ये करें। भाई देखो मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ, ये जो पीला है ना लाल हो जाओगे पूरे, ठीक है? जो गलती किए हो तो मानो कम से कम, ठीक है? कहानी सुना रहे हो अलग मुझे। कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे तुम लोग, और कितने बजे गए थे तुम वहाँ पे, कितने बजे गए थे? कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे, पता है आपको? कुछ लोग रात्रि मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे, पता है कितने बजे? कहाँ आएंगे मालिक, आएंगे 8:30 लास्ट है। जनाब ने पिछले एक महीने में कितना मसाज, दो तीन महीने में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तुम भाई ले चुका है भाई, इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। हाँ भाई देखो भाई मैं नहीं चाहता एक एक करके पलक पलक खोलना, ठीक है? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, जो गलती की हो चुपचाप मानो, ठीक है? नहीं तो अब ये चेहरा तुम्हारा बंद है, खोलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? जो चीज़ किए हो मानो, ठीक है? इनके भरोसे मत रहो, ये साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी, ये तो कोर्ट में जाके कुछ आप उसी में फंस जाओगे, ठीक है? सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत जहाँ बट्टा लगेगा, ठीक है? ये लोग का अब यार ये तो एम्प्लॉयज के नाम से लाते थे, कैसे करते थे उन चीज़ों में, पुराने एम्प्लॉयज भी हैं, कुछ 5 साल के हैं कुछ 3 साल के, उनसे हम नहीं जाते। हमारी अपनी टीम, हाँ ये बताएंगे सीएसपी साहब, बताएं कैसे कल पूरा कार्रवाई की गई। हमको सूचना थी कि कुछ काम में काम चल रहा है, व्यापार हो रहा है, उसमें हम अपने एक पॉइंटर को भेजे चल जाएगा, भाई एक्स्ट्रा क्या इधर आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, अरे भाई सब सुन लूंगा, मुझे यही रोमांचक कहानियाँ नहीं सुननी मुझे, पीछे ये सूचना तो थी, पर सबसे पहले यही ये भी मतलब ये भी समय नहीं पता कि कब से हो रहा है, लेकिन बताया गया था कि काम चल रहा है, कई जगह के काम ये चल रहा है, तो जैसे हमने डिसाइड किया कि कहाँ ज़्यादा चल रहा है ये पहली जगह वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक आदमी को भेजे थे और उसने वहाँ जाने के बाद जैसे ही सिग्नल दिया कि हाँ बात हो चुकी है और उसके बाद होगा, तो हम 10 मिनट इंतजार किए और उसके बाद सब लोग महिला आरक्षक को लेकर रेड किया, जब अंदर गए तो ये हमारा पॉइंटर और यहाँ के जो एक महिला है वो संदिग्ध अवस्था में हमको मिली, और फिर जैसे ही हमने पूरा सर्च करना शुरू किया तो कई जगह पे कॉन्डम अलग बाथरूम के ऊपर एक जगह पे कॉन्डम रखा हुआ, कई दरवाजे के ऊपर में कॉन्डम रखा हुआ, कुछ जगह पे यूज कॉन्डम भी हमने जमा किया। आपने कॉन्डम सेंटर बना रखा है क्या? क्या हुआ 1500 रेट और ये पहले फोन करके आते कौन सी लड़की के साथ करना है, कुछ है जो ये सब करते हैं कुछ नहीं करते, उनका ऐसा मतलब वो सेट बना हुआ है, वो नाम लेके बताए नहीं वो फोन पे बात करते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कि कौन कौन आज सर्विस के लिए अवेलेबल है, और जब उनका जो चाहिए वो अवेलेबल है तब वो जाते हैं, सभी लोग यहाँ जितने भी ग्राहक है सब फोन करके आए, सबका सीरियल डिटेल भी हमारे पास, सब इसमें से कुछ लोग मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर है, तो लोग लंबे सेशन लेते हैं, उन लोग का नंबर है, सेशन ले लिए हैं इन लोग, ऑफर चला गया 10,000 में 15 सेशन,
10,000 में 15 सेशन, ऐसे उनका 1500 का कुछ है तो ऑफर चला के कुछ कराए थे। कार्ड बटन नहीं है लेकिन नंबर सबके डल गया। हाँ तो वो जब अंदर गया उसने सिग्नल दिया कि बात हो चुकी है, उसके बाद हमने 10 मिनट इंतजार किया, उसके बाद वहाँ पे जाके रेड किए। यूज कॉन्डम में हमने उसमें जब किया है वो डस्टबिन से हमको